Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel, The Bio's Planet. तो पिछले लेक्चर तक हमने अभी तक क्या बात किया था, अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये है चैप्टर आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस. तो हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा था, इसमें सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन को पढ़ा, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने देखा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं, क्या उनके अंदर वेरिएशन होता है, अगर होता है तो कितना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमने देखा कि क्या देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या सबके अंदर एक जैसा रिप्रोडक्शन होता है, अगर नहीं तो उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. तो हमने यहाँ तक बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने फिशन के बारे में पढ़ा था जिसमें कई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जो डिफरेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन से वो रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, तो अभी तक हमने इसमें फिशन के बारे में देखा और फिशन में भी दो था हमने पढ़ा, एक था आपका बाइनरी फिशन, एक मल्टीपल फिशन था. बाइनरी फिशन का एग्जांपल लीशमैनिया एंड अमीबा था और मल्टीपल फिशन का एग्जांपल आपका क्या था, वो क्या नाम है, प्लाज्मोडियम का. ओके, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं वो बडिंग के बारे में बात करने वाले हैं. तो सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका क्या है, बडिंग. ओके, अब बडिंग होता क्या है उसको समझ लेते हैं. देखो पहले होता है ना कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा के बारे में अगर बात कर ले, मैं एक सिंपल सा ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहा हूँ इनका. ये सबस्ट्रेटम है, ये उनका टेंटिकल्स है, ठीक. ओके, तो ये आपका टेंटिकल्स है, ये आपका हाइड्रा है. अब हाइड्रा क्या करता है, एक वहां से एक छोटा सा उसका स्ट्रक्चर, उसमें एक बड का प्रोडक्शन होता है, एक बड, छोटी सी बड इस तरह से प्रोड्यूस होती है. अब यही इस बड का इनलार्जमेंट होता है, बड इज आल्सो ए टिश्यू, कई सेल मिलके वो बड का फॉर्मेशन करती है, फिर इसका इनलार्जमेंट होता है, ये बड़ी होती चली जाती है, साइज में इतनी बड़ी हो जाती है कि लास्ट में उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखने लगता है. आप हर डायग्राम को बनाएंगे, मैंने एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम बनाया बट आप सारे को बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे उनके पास भी टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर सम टाइम. दिस हाइड्रा विल डिटैच, ये हाइड्रा इनसे अलग हो जाएगा और किसी दूसरे सबस्ट्रेटम से जाके लग जाएगा और एक नया हाइड्रा का प्रोडक्शन कर देगा. इस तरीके से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया. तो एक्चुअली फर्स्ट इसमें क्या हुआ, एक बड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को हमने बडिंग का. तो बडिंग का जो प्रोसेस होता है वो दो चीजों में देखने के लिए मिलता है, एक तो हाइड्रा हो गया, ये ईस्ट में भी देखने को मिलता है हाइड्रा, और सेकेंड ईस्ट. अब देखो ईस्ट क्या होता है, इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं ईस्ट का, यूनिसेलुलर होते हैं. अब इसमें से भी एक छोटी सी इस तरह से बड का फॉर्मेशन होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये मूव करके हाफ न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो बाद में जाके एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा. तो अगर देखा जाए बडिंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का, दो ऑर्गेनिज्म या दो एग्जांपल हमने बडिंग के देख लिए, एक तो आपका हाइड्रा है जिसमें छोटे से बड का फॉर्मेशन होता है और वो बड बाद में इनलार्जमेंट के बाद आफ्टर मैच्युरेशन दे गोइंग टू बी डिटैच फ्रॉम दिस ओल्ड पेरेंट हाइड्रा एंड दे विल प्रोड्यूस देयर ओन हाइड्रा, कंप्लीट डिफरेंट हाइड्रा ऑफ स्प्रिंग. तो ये ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन. अब ईस्ट में क्या हुआ, ईस्ट है, इसमें एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, वो बड बाद में क्या बना लेती है, एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेती है. चलो तो ये हो गया बडिंग, आप एग्जाम्पल को याद रखें, ईस्ट एंड हाइड्रा के आप एग्जाम्पल को याद रखेंगे, उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है. नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, आपका होता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट
इसमें आपका नेक्स्ट आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, जनरली फ्रेगमेंटेशन एक प्लांट्स होता है ग्रीन एल्गी। ओके लेट मी राइट इट हियर, एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी उसका नाम क्या है, स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा में क्या होता है, मैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा कर दे रहा हूं। एक स्पायरोगायरा सिंपल सा स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है। अब ये स्पायरोगायरा जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन इनके लिए परफेक्ट होती है, जब इन कंडीशन इनके लिए अनुकूल होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ईच पार्ट ऑफ द स्पायरोगायरा विल प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म को या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, स्पेशली ऑर्गेनिज्म या फिर क्लोन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, तो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन देखा जा रहा है, जो किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके तो अभी तक हमने क्या देखा, फिशन देखा, बर्डिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन। तो वो फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे, उसमें भी बॉडी ब्रेक करके एक नया पार्ट बनाती है, इसमें भी बॉडी ब्रेक करके नया पार्ट बनाती है। बट इसमें क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में देखा जाता है, एंड फिशन किसमें देखा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है। ओके यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट आपका क्या है, रीजनरेशन। नेक्स्ट आपका है रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन किसमें देखने को मिलता है, रीजनरेशन के बारे में मैंने बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन याद रखना, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हो, आप कैसे कहोगे कि ये फ्रेगमेंटेशन है, कैसे कहोगे कि ये रीजनरेशन है, कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ना। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के बीच में कुछ डिफरेंस है, हम उस ठीक इनको रीजनरेशन कंप्लीट करने के बारे में उसको बता दे रहा हूँ। अब देखो जैसे एक प्लैनेरिया है, ओके प्लैनेरिया है, प्लैनेरिया को इंजर्ड हो गया और दो चार पार्ट में इसकी बॉडी ब्रेक हो गई, इंजर्ड होने के बाद इसकी बॉडी दो चार पार्ट में डिवाइड हो गई, एंड ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लैनेरिया विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट अ न्यू प्लैनेरिया। Each of the part of the planaria will produce a different planaria. तो regeneration में क्या होता है कि कोई part planaria किसी animal का कोई part break हो गया, not all type of animal, कुछ animal जिनके अंदर ये हो सकता है उसका, for example planaria का एक part break हुआ, planaria को कई part वो जाके किसी stone से टकरा गया या फिर कुछ किसी तरह से injured हो गया, उसकी body तीन चार part में divide हो गई। अब इस planaria की body तीन चार part में divide होने से क्या हुआ, ये प्लैनेरिया कई पार्ट में टूट गया, और ईच पार्ट ऑफ द प्लैनेरिया विल प्रोड्यूस अ न्यू प्लैनेरिया, हर प्लैनेरिया का पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक नया प्लैनेरिया को प्रोड्यूस करेगा। अब देखो इसे कहते हैं रीजनरेशन, मतलब किसी पार्ट से किसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का बन जाना, उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आपका एक हो गया प्लैनेरिया, सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रा में भी ये देखने को मिलता है, और किसमें देखने को मिलता है, स्टार फिश के अंदर भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रा, प्लैनेरिया और स्टार फिश तीनों के अंदर क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिलता है। ओके यहां तक तो आपने देख लिया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फिशन, बर्डिंग, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं डिफरेंसेस क्या, यहाँ पे डिफरेंस क्या है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन से स्पायरोगायरा कई पार्ट में ब्रेक हुआ, उसने न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन किया, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया, रिप्रोडक्शन किया, इसमें भी वही हुआ, बॉडी कई पार्ट में डिवाइड हो गई डिफरेंट ऑर्गन। अब यहाँ पे दो डिफरेंसेज आप बड़ी इंपॉर्टेंट दो डिफरेंसेज है, जनरली फ्रेगमेंटेशन
किस में देखा जाता है? प्लांट्स में देखा जाता है. एंड रीजनरेशन जनरली किस में देखा जाता है? एनिमल में देखा जाता है. तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया, वो प्लांट में देखा जाता है, ये एनिमल में देखा जाता है. अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन में, हाँ फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या देखा था कि ये स्पायरोगायरा दो पार्ट में डिवाइड हुआ. कब डिवाइड हुआ? फेवरेबल कंडीशन में, कंडीशन जब उनको फेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिवीजन नहीं कर रहा था. जनरली ज्यादातर ये क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में डिवीजन नहीं करता है, मीन्स ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, बट ये अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन कर रहा है. तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में एक डिफरेंस क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म देयर रिप्रोडक्शन. फ्रेगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म इन इन फेवरेबल कंडीशन, व्हाइल रीजनरेशन इज द प्रोसेस इन एनिमल टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू ऑर्गेनिज्म इन अनफेवरेबल कंडीशन. क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी ब्रेक हो जाए, कहीं पार्ट में टूट जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है तो ये नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेते हैं. ओके चलो, यहाँ तक हमने देख लिया. अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो आपका है स्पोर फॉर्मेशन का. ओके लेट मी रेज इट, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट आपका क्या है, स्पोर फॉर्मेशन. अब आप देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है. अब देखो स्पोर का मतलब छोटे छोटे स्पोर होते हैं. आपने गैमेट का नाम सुना होगा. गैमेट जो होते हैं ना वो हैप्लॉयड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें हाफ होते हैं. जैसे हमारी एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट इन गैमेट देयर आर ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट. तो स्पोर जो होता है ना वो भी गैमेट की तरह से ही होता है, बट इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, जैसे हमारी सेल के अंदर होता है. मान लेते हैं कि हमारे 46 है, तो इस तरह से भी इनके अंदर भी 46 ही पाए जाएंगे, हाफ नहीं होते. ये डिप्लॉयड होते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इनमें पाए जाते हैं. अब देखो स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंजाई में देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है. अब दो मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं फंजाई के. एक तो हो गया ब्रेड मोल्ड, एंड सेकेंड आपका हो गया पेनिसिलियम. ब्रेड मोल्ड एंड सेकेंड आपका है पेनिसिलियम. तो जो आपका ब्रेड मोल्ड होता है, ये ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोपस भी कहते हैं. इसको हम, इनको हम राइजोपस भी कहते हैं. और पेनिसिलियम आप जानते हो, पेनिसिलियम रोटेटम फंक्शन क्या था, फर्स्ट टाइम जो पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रोड्यूस किया था वो किस फंजाई से प्रोड्यूस किया था, पेनिसिलियम से प्रोड्यूस किया था. आज वो फंजाई या फिर उससे बनने वाला जो एंटीबायोटिक है उसने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचा रखी है, तब से बचाई हुई है. अब ब्रेड मोल्ड्स या पेनिसिलिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनमें भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ब्रेड मोल्ड अगर हम देखें तो ब्रेड मोल्ड में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है. इस राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया. इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया बिकॉज दिस इज द साइड वेयर स्पोर गना बी फॉर्म. ये वो जगह है जहां पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, बाद में ये आउटर लेयर बस्ट कर जाएगी और सारे स्पोर बाहर की तरफ निकल जाएंगे. तो ये देखने को मिलता है किसमें, राइजोपस में. तो ये आपका राइजोपस में देखने को मिलता है. सेकंड अगर आप देखेंगे पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम की जो बॉडी होती है मेश लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, दैट इज कॉल्ड माइसिलियम. तो उनमें माइसिलियम होता है, माइसिलियम में एक सिंगल इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, या थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं हाइफी. इसको हम कहते हैं हाइफी, थ्रेड लाइक. अब इसके
इसके आउटर स्ट्रक्चर या अपर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ से छोटे छोटे प्रोट्यूट होते होके निकलते रहते हैं, स्पोर निकलते रहते हैं, उन छोटे स्पोर को हम कहते, ये हो गए आपके स्पोर। तो पेनिसिलियम के जो स्पोर होते हैं उनका एक अलग ही नाम होता है, उनके स्पोर का नाम होता है कोनिडिया। तो कोनिडिया इज द स्पोर विच इज फाउंड इन पेनिसिलियम। तो ये हो गया आपका स्पोर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब तक हमने क्या देखा, फिशन देखा, रीजनरेशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, बडिंग देख लिया, अब आपका हो गया स्पोर फॉर्मेशन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप का प्रोपेगेशन है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो एग्रीकल्चरल फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में इसे बहुत यूज़ किया गया, नए नए ब्रीड को जनरेट किया गया और कम क्या नाम है पैसे लगा के ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट लिया गया, इससे ज़्यादा फ़ायदा लिया गया। तो अब जैसे कि आपका रोज़ का प्लांट हो गया, ग्रेप का प्लांट हो गया, बनाना हो गया, इसमें सीड तो देखने को मिलता नहीं है, तो वो जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो जो प्लांट होते हैं ना उनका अगर देखा जाए, ये प्लांट में देखने को मिलते हैं, अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा जाए जनरली प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। प्लांट्स का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज फ्लावर, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। अगर मान लेते हैं फ्लावर पूरी तरह से कंप्लीट ना हो और देख उनका डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो तब तो प्लांट खत्म हो जाएंगे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं, वो स्पीसीज खत्म। तो नेचर ने क्या किया, कुछ प्लांट्स ऐसे बना दिए बिना फ्लावर के, बिना सीड के, बिना फ्रूट के, वो अपना नया प्लांट बना लेते हैं। ओके, बात समझ में आ रही क्या बता रहे हैं? तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको सीड की जरूरत नहीं होती नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो अपने डिफरेंट पार्ट्स, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उनसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे उनके कौन कौन से पार्ट हो गए, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है, पत्तियां हो गई, और भी होते हैं। खैर रूट का एग्जांपल जैसे रेडिश हो गया, रेडिश रूट का एग्जांपल है। स्टेम का सुगर केन आपने देखा होगा, स्टेम को काट के लगा दिया जाता है, सुगर केन हो गया। हाँ, पोटैटो भी होता है, पोटैटो भी आप लिख सकते हैं, पोटैटो हो गया। लीफ का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ का एग्जांपल बहुत ब्रायो, फाइलम इज द एग्जांपल ऑफ लीफ। एक ब्रायो फाइलम जो लीफ होती है, क्योंकि पिछले साल एक कोई स्टूडेंट था वो एक लीफ लेकर आया था ब्रायोफाइलम की, और मैंने क्लास में अपने बच्चों को इस तरह से बताया था कि देखो ये ब्रायोफाइलम और उसके साइड साइड में छोटे छोटे बर्ड्स जो बने हुए थे वो दिख रहे थे। अब वही एक्चुअली इस तरह से लीफ है, अब साइड में ऐसे बर्ड्स बने हुए हैं। इस तरह से बर्ड्स बने हुए हैं, अब ये बर्ड्स इससे डिटैच हो जाएंगे और नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय देयर मेन रिप्रोडक्टिव लाइक फ्लावर, दीज आर परफॉर्म बाय देयर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मीन्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो अलग अलग पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हम उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। उसमें बेस्ट एग्जांपल आपका ब्रायोफाइला में लीफ का, स्टेम का सुगर केन, पोटैटो और भी है, रेडिश है, कैरेट है और स्वीट पोटैटो। तो ये सब इसमें किससे होते हैं, रूट से प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो हम उसको पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन राइट दोज क्वेरी एंड डाउट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड आप वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक करें वीडियो को और चैनल को।